पढ़ते वक्त इंग्लिश में स्टक हो जाते हैं और कुछ ऐसे मीनिंग आपको मिल जाते हैं कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, और फाइनली आप उस सेंटेंस या पैराग्राफ को छोड़ देते हैं। तो गाइज, अगर आप इन लोगों में से हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। मैं आज एक ऐसे एप्लीकेशन का रिव्यू बताने जा रहा हूं जिससे कि आपकी इंग्लिश काफी हद तक सुधर सकती है और आप कुछ भी पढ़ सकते हो पूरी मीनिंग के साथ विद हिंदी। तो स्वागत है आप लोगों का, मेरा नाम है अभी पांडे और स्वागत है आप लोगों का डिजिटल पांडे जी के अंदर, जहां हम सीखते हैं कुछ नया, कुछ ट्रेंडी, कुछ अपडेटेड। गाइज, इंग्लिश आई थिंक हर किसी की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसी पे सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं और आप यहाँ पे कुछ भी समझ सकते हैं। जो भी आप पढ़ोगे इंटरनेट की दुनिया में, आजकल हर कुछ लोग पढ़ते हैं, तो उसका मतलब आप आसानी से समझ जाओगे इस एप्लीकेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम है मैगटैप। इसका नाम है मैगटैप। ठीक है, इस पर जैसे आप टैप करते हो तो इसमें आप कुछ भी सर्च करते हो। यार, एक तरीके से ब्राउजर है ये। आप चाहो तो यहाँ गूगल खोल सकते हो, क्रोम खोल सकते हो, कोई न्यूज पढ़ना है आपको वो पढ़ सकते हो। देखो, बकायदा आप, मैंने यहाँ गूगल खोला। ठीक है, तो गूगल खोलने के बाद जो भी आप इस पर टाइप करोगे, ठीक है, लेट्स से कुछ भी आप टाइप करते हो, एनीथिंग दैट यू वांट टू टाइप, ओके। और जैसे जैसे मैं आपको टाइप करता हूँ, हाउ टू बी रिच, बहुत ही तगड़ा टॉपिक है, हर कोई चाहता है रिच होना। तो मैं इसको ना एक बार खोल के देखता हूँ, मुझे कोई अगर वर्ड डिफिकल्ट लगता है तो। देखो, मैंने इसको खोला, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है गाइज, आप यू मस्ट ट्राई इट वंस। और खासकर वो लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये। तो मान लो कि इसमें कुछ मैं एक वर्ड ढूंढ लेता हूँ जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे को क्या करना है, सिंपली उस पर टैप करने का है। ठीक है, तो कोई भी एक वर्ड, चलो मुझे इसका मतलब समझ में, स्टेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, तो मैंने उसमें टैप किया तो एक, देखो ये खुल के आ गया। स्टेबिलिटी मतलब होता है स्थिरता। ठीक है, अच्छा, इसके साथ आप एक देख रहे होंगे कि इंग्लिश के साथ हिंदी तो दे ही रहा है, साथ ही साथ ये देख लो इसका सेंटेंस भी बना के दे रहा है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, प्लस में इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको बता रहा है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए किसी को। और यही नहीं, अगर आप इसका सिनोनियम्स एंटोनियम्स देखना चाहते हो तो वो भी यहां दिख जाता है। अब क्या हो सकता है इससे ज्यादा, आपको सब कुछ एक ही जगह पर एक ही साथ मिल जाता है इस एप्लीकेशन में। देखो यहाँ सब कुछ दे रखा है इसने, इसका एंटोनियम्स, इसका डेफिनेशन, प्लस में हिंदी में इसका मीनिंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। इफ यू आर अ रीडर तो आपके लिए तो ये वरदान स्वरूप है माय फ्रेंड। ठीक है, देख लो, एक ही एंटोनियम नहीं है, सिनोनियम पांच पांच दे रखे हैं भाई, एक नहीं आता दूसरा तो आएगा। ठीक है, कोई सा भी पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना, अब कुछ लोगों को लगता है सारे वर्ड थोड़ी बताएगा, अरे भाई बताएगा, सारे वर्ड बताएगा। ठीक है, उस पर बस टैप करने का, जैसे इंस्टेंटली इस पर आपको टैप करना है। आपने इस पर टैप किया और देख लो, पिक्चर भी दिखाता है, बकायदा फोटो दिखाता है कि इस वर्ड के साथ कौन सा फोटो शूट करेगा, बिल्कुल दिखाता है। और ये तो पता ही आपको, इसका मीनिंग प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग, प्लस में प्रोनाउंसिएशन भी, अब क्या लोगे यार। सो इट्स वन प्लेस वेयर यू कैन फाइंड एवरीथिंग। रीडर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम, कहीं भी टाइप कर दो यार, ब्राउजर में अगर आप कहीं भी टाइप करते हो एक पर्टिकुलर वर्ड पे, जैसे मैंने किया स्ट्रेट फॉरवर्ड पे, ठीक है, यह है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो देखो, जैसे मैंने उस पर टाइप किया, मिल गया मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड, का मतलब होता है सरल, जो बिल्कुल सीधा बोलता है। ठीक है, देख लो, पिक्चर भी है, मीनिंग भी है, सेंटेंस भी है, डेफिनेशन भी है, एंटोनियम्स भी है, प्रोनाउंसिएशन भी है। तो जो भी अपने आप को एक बहुत अच्छा रीडर मानता है या रीडिंग करना उसकी हैबिट है, तो इंग्लिश उसके रास्ते में रुकावट बन ही नहीं सकती अगर ऐसे वो करेगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, ये इसी ब्राउजर में काम करता है। अब मान लो कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ न्यूज है, इसके नीचे न्यूज भी दे रही है। मान लो कि आप कोई अपडेटेड न्यूज पढ़ना चाहते हो तो न्यूज को भी आप यहाँ से ओपन करके, ठीक है, और वहां भी आपको इसका मतलब पता लग सकता है, एवरी पर्टिकुलर वर्ड का आप मतलब समझ सकते हो और बिना रुके उस न्यूज का पूरा मतलब समझ सकते हो, और आपको स्किप करने की भी जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। चलो मैं इसमें से कोई एक वर्ड पे टैप कर लेता हूँ। कोरोना वायरस काफी ट्रेंडी है भाई फ्रेंड, सभी बच के रहे इससे जरूर। ठीक है, तो यही एक आर्टिकल है इसमें,
तो देख लेते हैं। तो इसमें विच वन इज वेरी डिफिकल्ट, चलो इसको ले लेते हैं। प्राइमरली का मतलब क्या होता है? मुख्य रूप से होता है प्राइमरली का मतलब। देखो इसमें इसमें पिक्चर दे रखा है, फिर से वो सारी चीजें यहाँ दे रखी है जो आपको काफी कठिन लगता है, जो आपको समझ नहीं आता है। आई थिंक कि ये वीडियो आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगी, काफी प्रोडक्टिव होगी, और इसके अलावा ये इंग्लिश वालों के लिए बहुत अच्छा है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। दैट्स इट, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।